हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बनाएंगे टमाटो की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत चटपटा है। बहुत लोग इस चटपटा चटनी को बनाते हैं, आज हम अपनी स्टाइल में बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ टमाटो लिए हैं, ये 8 टमाटो है, इसको हम लंबाई में काट के लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई हीट करके हम उसमें सरसों का ऑयल देंगे। सरसों का ऑयल जब हीट हो जाए, फिर हम उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। अब इसमें कुटी हुई अदरक ऐड करेंगे। अब उसको मिक्स कर देंगे। एक हरी मिर्च भी काट के डाल देते हैं। अब उसमें ढेर सारा करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ते में भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो उसमें करी पत्ता डाल देंगे। अब कटी हुई टमाटो डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब टमाटो में 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटो को अब पकने देंगे। 2 मिनट के लिए हम उसको कवर करके रख देंगे। 2 मिनट के बाद हम कवर निकालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। 2 चम्मच गुड़ ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम उसमें कश्मीर रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। ये बस कलर के लिए है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। अब इसमें हम खजूर ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, ताकि ये जो खजूर है नरम हो जाए। अब देखिए, एक चटपटा सा चटनी बनके तैयार है। ये चटनी बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज वाला रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।